ईश्वर के विषय में हम कुछ कुछ और अधिक ईश्वर को समझने के लिए प्रयासरत हैं। ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर के कर्मों को भी हम समझते हैं। ईश्वर जो कुछ कर रहा है, सृष्टि की रचना आदि, उसका केंद्र आत्मा है। जीवात्माओं के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। यदि जीवात्माओं वाला क्षेत्र हटा दिया जाए तो परमात्मा का अपना स्वरूप जो है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, निराकार है, ये स्वरूप अपनी जगह है ही, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो उसका कर्तृत्व है, चाहे सृष्टि की रचना हो या जीवों का निर्माण है, यानी चेतन शरीरों का, आत्मा से युक्त शरीरों को बनाना है, ये सब कुछ इसका केंद्र आत्मा है। और आत्मा के साथ दो बातें जुड़ी हैं, उसके दो प्रयोजन हैं, एक तो भोग यानी कर्मों का भोग और दूसरा है अपवर्ग मुक्ति की प्राप्ति। दो ही प्रयोजन है। अपवर्ग को जो प्राप्त करेगा वो भी बहुत सारी साधना करके करेगा, कर्म वहां भी करने होते हैं, निष्काम कर्म करने होते हैं, और जो सकाम कर्म करते हैं उनको कर्म के अनुसार भोग मिलता रहता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में हमारा कर्म एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। चाहे अच्छे अच्छे भोग हमें मिले, अच्छे शरीर प्राप्त हो, उसमें भी कर्म एक कारण है, और हम मुक्ति को भी प्राप्त करें तो उसकी साधना भी कर्म से जुड़ करके जाती है, निष्काम कर्मों से होकर के जाती है, शुभ कर्मों से होकर के जाती है। अर्थात कर्म तो हमारे साथ में जुड़ा ही रहता है। तो हमारा भोग और हमारा अपवर्ग कर्म पर बहुत अधिक आधारित है, और परमात्मा हमारे कर्मों के विषय में क्या दृष्टि रखता है ये जानना हमारे लिए, इन जीवों के लिए अनिवार्य आवश्यक है। यदि कर्म के विषय में परमात्मा की दृष्टि क्या है ये हमें पता न हो तो हम अपने ढंग से कुछ भी मानेंगे, सोचेंगे, करेंगे, और उसका जो भी परिणाम आएगा वो हमारे अनुकूल ही आए, ये आवश्यक नहीं है। तो परमात्मा की कर्म की क्या व्यवस्था है, परमात्मा की विधि क्या है, परमात्मा का निषेध क्या है, ये जीवों को जानना आवश्यक है। और ऐसा करते हुए हम परमात्मा को जानते हैं अधिक, और परमात्मा को जानते हुए हम अपने लिए हितकर स्थिति बनाते हैं। परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव को, कर्म फल व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को जानने के बाद में हम उससे अपने लिए अनुकूलता पैदा करते हैं कि यहां ये नियम व्यवस्था है और मैं इस तरह चलूंगा जिससे मेरा हित होगा। और यही परमात्मा को जानने का भी प्रयोजन है। केवल परमात्मा को जानना, जानने के लिए जानना, ये कोई प्रयोजन नहीं होता है। परमात्मा को जान के हम अपना हित सिद्ध करते हैं, जो हमारी कामना है उसको हम पूर्ण करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, ये सारे के सारे प्रयोजन है। तो इस संदर्भ में अभी हम कर्म आदि के विषय में विचार कर रहे हैं। आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं, क्योंकि कर्म करेंगे तो ये विचार आता ही रहेगा कि उचित है, अनुचित है, इससे पाप लगेगा, नहीं लगेगा, इत्यादि। तो आपके प्रश्नों को लेता हूं मैं। प्रश्न है कि डॉक्टर लोग सीखने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं, मेंढक मछली का चीरफाड़ करते हैं, इससे वे लोग आगे मनुष्य का इलाज कर सकेंगे, तो क्या जो उन्होंने मेंढक मछली की हत्या कर पाप कमाया था वह पाप मनुष्य का इलाज करने से खत्म हो जाएगा? तो वैसे ये जो चीजें हैं मेंढक आदि की, ये चिकित्सक की नहीं, उससे पहले भी जो विज्ञान आदि पढ़ाया जाता है उसमें ये चीजें होती थी। अब वो कम हो गई हैं, लेकिन होती है। चिकित्सक जो चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहां मेरी जानकारी से मेंढक आदि का तो नहीं होता है, वो तो पहले ही हो लेता है।
वहां तो सीधे शरीर को समझते हैं, तो मृत शरीरों का वहां पर विच्छेद करके वो सारी प्रक्रिया चलती है। पर इस बात को एक मान भी नहीं, ये एक प्रश्न को मैं थोड़ा व्यापक कर दूं कि डॉक्टर लोग नहीं भी हो तो विज्ञान में कोई सीख रहा है और इसमें जीवित प्राणियों को मार रहे हैं। यदि हमारे पास दूसरा विकल्प है तो दूसरे विकल्प को लेना चाहिए। आजकल ये चीजें कुछ कंप्यूटर पर आ गई हैं, उन्हीं हम सारा करके देख लेते हैं। जैसे कि आजकल बहुत से युद्धाभ्यास कंप्यूटर पर ही हो जाते हैं, सीधे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वाहन चलाना सीखना है, हवाई जहाज चलाना है, पायलट को क्या करना है, आजकल कंप्यूटर पर भी ये आ गया है और वही स्थितियां पैदा कर दी जाती है और उसी से पता लग जाता है, ताकि वो इतना अधिक न तो गोला बरसाना पड़ता ना किसी को मारना पड़ता, कम न हो जाता। तो ऐसे ही इनके लिए भी है और कुछ कृत्रिम चीजें भी बनाई जाती हैं, मॉडल बनाए लिए जाते हैं, उन पर भी इन कार्यों को किया जाता है, यानी वास्तव में वो जीवित नहीं होता है, वो भी एक तरीका है। तो पहला प्रयास तो हमारा यही होना चाहिए कि हमें इनको न मारना पड़े, हम बिना उसके भी सीख लें, मरे हुए पर सीख लें, मारना न पड़े, सबसे पहला तो यही करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है और कुछ सीखने के लिए इन पर प्रयोग आवश्यक है तो उतने अंशों में इसकी स्वीकृति हम मान सकते हैं, इसको थोड़ा मिश्रित कर्म मानेंगे, लेकिन उसमें पुण्य अधिक है इसलिए वो करणीय की कोटि में आ जाते हैं, निषिद्ध नहीं हो जाते। किसमें ये थोड़ी हिंसा हो रही है इसलिए ये करना ही नहीं है, इस तरह से निर्णय नहीं होता है वहां पर। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि इसमें हिंसा है तो साथ में हमारा भाव आता है, फिर तो ये नहीं करना चाहिए। अभी तो खेती करते हैं, खेती में भी हिंसा होती है तो लोग नहीं करनी चाहिए। अन्य साफ सफाई करते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत हिंसा होती है तो वो नहीं करनी चाहिए। इन निष्कर्षों पर अगर हम जाएंगे ये निर्णय का आधार नहीं बनते। जीवों की हिंसा जब अपरिहार्य रूप से होती है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उस स्थिति में कुछ होता है तो उसको दोष के रूप में नहीं देखना चाहिए। ईश्वरीय व्यवस्था ही वैसी है, हम अपनी असावधानी से मारते हैं, अन्य उपाय होते हुए भी हम मारते हैं, वहां फिर हमारा दोष बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यही बात इनके लिए लागू होगी जब उनको काट के सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको वैसे निंदित नहीं माना जाता। आगे चल करके यदि वो चिकित्सक अच्छा कार्य करता है, मनुष्यों के लिए हितकारी होता है, तो फिर इसको दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन चिकित्सक बनने के बाद में यदि वो स्वार्थ के लिए ही चिकित्सा कर रहा है, यानी शोषण कर रहा है, केवल उसको पैसा नजर आता है, वहां भी धर्म पाप पुण्य आदि वो उचित नहीं अनुचित तरीके अपनाने लगता है, तो उसके लिए तो यह हानिकारक ही होगा। चिकित्सक भी उचित मात्रा में शुल्क ले सकता है, उसको भी अपना जीवन चलाना है, लेकिन उन सीमाओं से अतिरिक्त जाकर के अमानवीय रूप से जब ये स्थितियां बनती हैं तब तो उसको पापी लगेगा। ये बात औषधीय अनुसंधानों के ऊपर भी विचारणीय बनती है, क्योंकि बहुत सी औषधियों का प्रयोग परीक्षण अन्य जीवों पर भी होता है और उसमें उनको मारा भी जाता है या वो मरते भी हैं। ये प्रयोग सूक्ष्म जीवों से लेकर के चूहों पे, खरगोशों पे, बंदरों पे भी होते हैं, चिंपांजीस पे भी होते हैं, बहुत से जीवों पर प्रयोग होते हैं। और उस समय भी यही प्रश्न आता है कि मनुष्यों के लिए जो हम परीक्षण कर रहे हैं या इनकी इनको मार रहे हैं, मरते ही हैं वहां पर वो, और चूंकि बहुत प्रयोगशालाएं हैं तो वो संख्या लाखों में भी चली जाती है। लेकिन प्रकृति में भी अगर हम देखें वैसे तो ये बहुत मरते ही हैं, हम संख्या गणना नहीं कर सकते, इतने परस्पर मरते रहते खाते रहते। उन लोगों के जीवन ऐसे हैं, पर हम मनुष्य की दृष्टि से भी देखें तो हमें जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए। इसके बिना भी हम कर सकते हैं तो काम चलाना चाहिए, लेकिन यदि नहीं चलता है, कुछ आवश्यक है, तो ये किया जा सकता है। धर्म संकट की बात है, वैसे हमें क्या करना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति या जो मांसाहारी नहीं है वो इस तरह के प्रश्न कर सकता है, उसके मन में ये प्रश्न उठेंगे, बार बार उठते हैं। रुको नहीं पर अब थोड़ी गर्मी आ गई है तो मक्खियां आने लग गई।
मेरे भी मन में इसी तरह का प्रश्न उठा जब उस तरह का कार्य मेरे को करना हुआ। तो मैंने फिर बहुत सारे वेद मंत्रों का भी उल्लेख किया अपने शोध ग्रंथ के अंदर। जब मेरे को परीक्षण करने थे तो वो चूहों के ऊपर होने थे औषधीय परीक्षण, वो तो थीसिस लिखनी ही होती है, प्रयोग करने ही होते हैं, तो एक औषधि का प्रयोग चूहों के ऊपर करना था और चूहे मरते भी हैं उसके अंदर। तो मैंने अपनी थीसिस में शोध ग्रंथ में बहुत सारे वेद मंत्र भी दिए। मैंने ये सोचने का प्रयास किया कि मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शोध कार्य से पहले जो हम प्रारूप देते हैं, सिनॉप्सिस देते हैं, कि वो भी करूं या ना करूं, विचार ये बना ऐसे करना है। वो प्रयोग ऐसे थे कि मनुष्यों पर कर नहीं सकते थे। वो औषधि ऐसी थी जो मरते समय में व्यक्ति को जीवित करने की बात कही जाती है उसके विषय में। एक औषधि थी हिमगर्भ पोटली रस, उसके लिए ये था कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसको भी चटा दें तो वो भी एकदम चेतना में आ जाता है, जीवित होता है। आगे भले ही देहांत हो जाए लेकिन बच भी सकता है और थोड़ा जागृत हो जाता है। अब ये प्रयोग किस पे करेंगे? उसके लिए मरणासन्न व्यक्ति तो चाहिए। औषधि भी मरणासन्न व्यक्ति पर दी जाती है तो मरणासन्न व्यक्ति तो चाहिए ना। किसको बनाएंगे? मनुष्य को बना सकते हैं? नहीं हो सकता। और जो मरणासन्न हो भी स्वभावतः है उनके भी प्रयोग नहीं हो सकता। कोई स्वीकार नहीं करेगा, उनके घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, मनुष्य को तो हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रयोग मरणासन्न पर ही करना था तो और क्या उपाय है? तो चूहों पर किया गया। तो मैंने बहुत सारे वेद मंत्र भी देखे, थीसिस में भी मैंने लिखे अपने। उसमें वेद मंत्र में बहुत सारी बातें आई कि नेवला जिस औषधि का प्रयोग करता है उसको हम भी करें, ये पक्षी जिस औषधि का सेवन करता है उसको हम भी करें, ऐसे बहुत सारे वेद मंत्र हैं। तो जैसे सर्प की औषधि नेवले को देख करके हम सीख सकते हैं, नेवला सांप के काटने के बाद में दो बातें मन प्रचलित है, तो उस पर असर ही नहीं होता। एक कहता है कि वो जाकर के कोई औषधि खाता है फिर तो बचा लेता है अपने को, क्योंकि प्राणियों में अपना सहज स्वभाव है, वो प्रयोग करते हैं। तो वे जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम भी कर सकते हैं। तो उसे एक सूत्र मिला कि भाई अन्य प्राणियों पर जो औषधियां काम करती है मनुष्य पर भी कर सकती है। इन तो कई जने तो यही विरोध करते हैं कि औषधि देनी है मनुष्यों पर, प्रयोग कर रहे हैं अन्य जानवरों पर, तो बहुत से तो इसी का निषेध करते हैं। और उस पर अन्य कितनी चीजें लिखी हुई है कि ये पशु जिस औषधि का सेवन करता है उसको हम भी करें इत्यादि इत्यादि। तो ये कैसे करते हैं, कैसे पता लगेगा हमारे को? तो उन पे जो औषधियों का प्रयोग किया जाएगा और उसमें ये सारा का सारा होता है। पहले तो क्या करते थे लोग बाग, राजाओं के यहां जो अपराधी होते थे जिनको मृत्युदंड मिला हुआ है उनको इस प्रयोग के लिए दे देते थे। मृत्युदंड तो देना ही है उनको, अपराधी हैं। और औषधीय प्रयोग कुछ मनुष्यों पर भी करने होते हैं तो वो किए जाते हैं। इसको कितना मानवीय अमानवीय कहेंगे एक अलग बिंदु है, लेकिन इस तरह का इतिहास मिलता है कि गुपचुप रूप से और या तो प्रकट में भी ये चीजें चला करती थी। आज भी करते हो तो करते हैं, किया जा सकता है, लेकिन जानवरों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो इतनी हिंसा हम स्वीकार कर सकते हैं इतने अंश में, अगर ऊंचे उद्देश्य के लिए की जा रही है और मनुष्यों के लिए की जा रही है तो स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि अन्य सब प्राणी अपनी जगह स्वतंत्र जीव होते हुए भी, स्वतंत्र उनका अस्तित्व होते हुए भी, आत्मा समान है तो भी वो कर्म के अनुसार एक स्थिति में है और अंततः ये मनुष्य के लिए है। ये मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा मान ले और उनका कुछ भी शोषण करे, अहंकार करे, इस रूप में मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जब ऐसा करने लगता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को ये मानता है कि बाकी सब हमारे लिए हैं, ये मान्यता ही गलत है। ये मान्यता तब गलत मानी जाएगी जब वो इस तरह से शोषण करने लगे, इनका अतिरिक्त हानि करने लगे। अगर उसके बिना हम देखते हैं तो ये चीजें हमारे लिए हमें प्रतीत होती हैं, स्पष्ट है। हम खाएंगे पिएंगे क्या? पेड़ पौधे वनस्पति तो खाएंगे ही, अन्य जीव एक दूसरे पर निर्भर है, उनका भी पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता। इसलिए अंततः वो अपना अपना जीवन होते हुए भी मनुष्य के लिए होते हैं।
प्रकृति में सृष्टि में ईश्वर ने ऐसा ही बना रखा है। इस दृष्टि से हम कुछ मात्रा में उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम गाय भैंस का जानवरों का दूध भी सेवन करते हैं जो कि उचित भी है, लेकिन हम उनका सेवन करते हैं। दूसरे प्राणियों की चीजों का उपयोग करते हैं, हमारी औषधियों में बहुत सारा प्रयोग करते हैं, तो ये चीजें की जा सकती हैं एक सीमा तक। अब सांप की दवाई बनती है आजकल, सांप का विष घोड़े में डाला जाता है, पहले इंजेक्शन लगा के घोड़े में डाला जाता है, जो भी सांप की दवाई आती है सीरम आता है इंजेक्शन आता है, वो कैसे प्राप्त होता है? वो इंजेक्शन पहले घोड़ों में डाला जाता है, घोड़ों में ही प्रतिरोधक क्षमता है कि वो उसको निष्क्रिय करते हैं। हमारे भी शरीर में है कुछ जीवाणुओं के प्रति वो प्रतिरोधी तंत्र खड़ा करता है, एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे चीजें पैदा होती हैं रक्त में जो उसको नाश करती हैं। तो घोड़ा उसको घोड़े का शरीर ही ऐसा है कि वो उसको नाश कर देता है, तो उसके रक्त में वो तत्व पैदा हो जाते हैं जो सर्प विष को निष्क्रिय करते हैं। अब उसमें तो पैदा हो गए, अब घोड़े का रक्त निकालते हैं जीवित घोड़े का एक सीमा तक, कुछ लीटर 5 लीटर है जितना भी, उसमें से सीरम को अलग कर लेते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं जो तरल पदार्थ होता है, बचा हुआ रक्त वापस घोड़े में डाल देते हैं और उस सीरम को शिशुओं में डालते हैं जो आज हम काम में लेते हैं। पशुओं से हम प्रयोग ले रहे हैं ना, ऐसे ही और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से और इनसे बहुत सारी चीजों से बनती है, उत्पन्न होते हैं उन जीवों से, ये चीजें बनते हैं, बहुत सारे रसायन हमको जीवों से प्राप्त होते हैं, वो एक तरह से फैक्ट्रियां हैं, वहां वो चीजें बनती हैं, हम प्राप्त करते हैं। शहद एक मोटा हमारे यहां उदाहरण है, वो जीव बनाते हैं, वो बनाते हैं हम काम में लेते हैं उसको, दूध वो बनाते हैं हम काम में लेते हैं, एक तरह की फैक्ट्रियां ही तो है, उत्पादन स्थल ही तो है, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ये पेड़ पौधे हैं, ये भी तो क्या है, ऑक्सीजन मान लो छोड़ते हैं, कार्बन काम में लेते हैं, फल बनाते हैं, ये भी तो एक तरह की फैक्ट्री जैसा ही है कि वो बन रहा है हम काम में लेते हैं, बनाया तो उन्होंने, उनके यहां पर है लेकिन हम काम में लेते हैं। तो ऐसे अन्य प्राणियों का उपयोग हम एक सीमा तक कर सकते हैं, वो धर्मपूर्वक है, हित के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है, तो उतने अंश में उसको हम पाप की श्रेणी में नहीं मानते। हाँ, अगर आप अधिक संवेदनशील हो, कुछ ऐसा मान भी सकते हैं कि ये मिश्रित है, थोड़ा तो पाप लगेगा ही, तो उसको हम ये मानते हैं कि पुण्य अधिक है पाप कम है, और किसी एक कर्म में अगर देखा जाए तो उसमें पुण्य कम होगा, यही कहेंगे बस। अलग अलग पाप और पुण्य वो एक दूसरे से बराबर नहीं बनते कि किसी ने बहुत पाप कर दिए फिर बहुत पुण्य कर दिए तो वो बराबर हो जाएंगे, पाप का फल नहीं मिलेगा, ऐसे वो अलग अलग कर्म बराबर नहीं होते। लेकिन एक ही कर्म करते समय उसमें जो कुछ अच्छा अंश भी होता है कुछ बुरा अंश भी होता है, मिश्रित कर्म जो होते हैं, उनके विषय में तो ये समझ में आता है योग दर्शन व्यास भाष्य के अनुसार कि जितना पुण्य किया है यदि साथ में थोड़ा पाप जुड़ा हुआ है, थोड़ी हिंसा हुई है, तो उसको वो जो पुण्य का फल मिलना था वो कम मिलेगा। एक तो ये व्यवस्था होती कि जितना एक ही कर्म में 80-90% पुण्य है, 10% पाप है, तो 80-90% पुण्य का भी लाभ मिला, 90% पुण्य का भी फल मिला और 10% जो हिंसा या पाप हुआ उसका भी फल मिला। एक तो ये स्थिति है, तो भिन्न भिन्न कर्मों में तो ऐसा ही होगा, लेकिन एक कर्म में अगर किया जा रहा है तो उसको पूरा मिलाकर के जो कर्म बनेगा उसकी दृष्टि से देखेंगे तो उसमें पुण्य कम हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। यदि कोई 100% पुण्य करता तो उसको पूरा फल मिल जाता, अब किसी ने 90-10 के अनुपात में कर दिया है तो उसको पुण्य कम मिलेगा, घट जाएगा, 90 तो पुण्य था ही लेकिन 10 पाप भी किया है तो जितना 90 पुण्य किया है वो भी घटके मिलेगा। किसी ने 75% पुण्य है और 25% उसमें पाप भी है, ऐसा कोई कर्म किया जा रहा है, मिश्रित कर्म हो रहा है, थोड़ा झूठ बोल रहा है, थोड़ी हिंसा हो रही है, तो अब उसको कितना फल मिलना चाहिए? ऐसा नहीं कहेंगे कि 75% पुण्य है बस वो मिल जाएगा और पाप छूट जाएगा, पाप वाला जितना अंश है उसका प्रभाव उस पर आएगा पुण्य पे, 75% पुण्य है उस पर उसका प्रभाव आएगा और फिर जो जितना बचेगा वो उसको मिलेगा। तो बहुत बार अच्छे कर्मों को करने में जो ये कुछ कुछ त्रुटियां होती हैं, हम जानबूझ के भी करते हैं,
वहां इस तरह की व्यवस्था समझ में आती है। ऐसा ही इसके लिए लेंगे, इस चिकित्सा के लिए अनुसंधान है, जीवों की हत्या होती है और परीक्षण के लिए भी जो होता है, वहां भी हमें इस दृष्टि से समझना चाहिए कि मिश्रित कर्म भी है तो उसमें पुण्य कुछ कम हो जाएगा। हम बच सकते थे तो हम बच लें उससे, नहीं तो थोड़ा पुण्य कम मिलेगा। ऐसा ही इनका अगला प्रश्न है कि जो पोस्टमार्टम के लिए लाश आती है उसमें डॉक्टर लोग चीरफाड़ करते हैं मनुष्यों की, तो क्या उनको इसका पाप लगता होगा? तो इसमें तो कोई पाप की बात ही नहीं है, वो तो कोई व्यक्ति दुर्घटनावश या कोई अपराध के कारण मर गया है। अब ये तो परीक्षण के लिए आती है, पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि हत्या कैसे हुई, चोट का निशान कहीं है, कोई विष दिया गया है, फांसी लगी है तो उसके चिन्ह है इत्यादि, जिस तरह का अपराध है उसका वो परीक्षण करते हैं, तो इसमें तो पाप की कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं एकाग्रता पूर्वक और खेलते खेलते पूरा खो गए और अचानक पैर मुड़ता है और पैर में मोच आ जाती है और जिससे कुछ दिन तक बिस्तर पर विश्राम करते हैं, दिनचर्या नहीं होती है, दूसरों से सेवा लेते हैं पर इससे कर्माशय क्षीण होते हैं, यानी हमने सेवा ली, जितनी सेवा ली तो उतना हमारा खर्चा तो होगा, पुण्य क्षय तो हो गई, तो बोले हमने ऐसा क्या कर दिया था जो इतनी हानि हो गई हमारे को, ये कोई पाप कर्म कर दिया था हमने, अथवा साथ में है कि क्या हमारे पिछले कर्मों का फल था। तो इसमें ये देखना है कि इन्होंने कहा एकाग्रता पूर्वक खेलते खेलते खो गए, तो इतनी असावधानी तो हमारी हुई है कि हमने खेलते समय विवेक तो रखना ही चाहिए, मेरी कितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें करना चाहिए, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती है। क्योंकि खो करके और चोट लग जाती है, आपस में भिड़ भी जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, पैर में मोच आ जाती है, ये जो असावधानी हुई उसके पीछे बहुत सारे कारण हमारे अपने होते हैं। कई बार हम प्रतिस्पर्धा अधिक कर रहे होते हैं, उस प्रतिस्पर्धा में मेरे को जीतना है, हमारे वर्ग को टीम को जीतना इत्यादि भाव बहुत प्रबल होते हैं और जीतने पर हम बहुत खुश होते हैं, हारने पर दुख होगा, दूसरे को हराना है इत्यादि, जो ये प्रतिस्पर्धा के भाव जुड़ जाते हैं जिसमें परोक्ष रूप से राग द्वेष जुड़े रहते हैं, मान सम्मान जुड़ा हुआ रहता है, ये अविद्या के अंश हैं और इसके कारण से असावधानी होती है। अथवा हमें खेल में बहुत आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, तो उस सुख में हम ज्यादा लीन हो गए हैं, तो ऐसी असावधानी होती है, तो इसमें हमारा इतने अंश में दोष है। और चूंकि हर व्यक्ति के अपने अपने संस्कार होते हैं, वो राग के द्वेष के प्रतिस्पर्धा के क्रोध से भी खेलते हैं और इसको बॉल को मेरे को ही लेना है, उसको नहीं हाथ में आने देना है छोटी सी बात, दूसरा ले लेगा तो क्या इतना हो जाएगा, लेकिन नहीं मेरे को ही लेना है, मेरे को तेज दौड़ना है, मेरे को पहले वहां पहुंचना है, इत्यादि जो हमारे अपने आवेग होते हैं, संस्कार होते हैं, कुसंस्कार होते हैं, इसके कारण से ये हो रहा है। तो ऐसे में हमारा दोष तो है ही, हम असावधानी करते हैं। यदि हम खेल को विवेक से खेलते हैं और खेल को खेल ही समझते, ठीक है वो जीत जाएगा, गोल हो जाएगा, इतना कोई विशेष बात नहीं है और कोई अपमानित भी नहीं है, ज्यादा सोच रहे हैं अपने को, तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। और इन सबके पीछे हमारा अहंकार काम कर रहा होता है। जब हम पराजय में दुख अनुभव करते हैं, जीतने में हम सुख अनुभव करते हैं, तो वहां भी अहंकार तो रहता ही है, दूसरे के अहंकार को आहत करते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं, ये सारा अविद्या से युक्त अंदर देखा जाएगा अगर सूक्ष्मता से देखें तो। ये मोटे तौर पे देखेंगे तो कहेंगे कि मेरा क्या दोष है, मैं तो केवल खेल ही तो रहा था, अब खेलना कोई दोष है क्या, खेलना कोई दोष है क्या, नहीं तो कोई पाप है क्या, नहीं खेला जा सकता है, पर पीछे हमारे अंदर ये चीजें कार्य करती रहती हैं और ऐसे ही स्थलों पर हमारे से असावधानियां होती हैं, तो उसके उत्तरदायी हम हैं। और अगर मान लो चोट आ गई, दूसरों से सेवा लेनी हो गई, कोई बात नहीं, ये दूसरों के साथ भी तो होता रहता है, जब हमें अवसर मिले तब हम सेवा कर दें, उससे ज्यादा सेवा कर लें, हम उसको अपना पुण्य तो मान सकते हैं, और हमारा नहीं भी हुआ है तो भी हम सेवा पहले से ही करते रहे, पता है कि कभी मेरे साथ भी हो सकता है, कभी मैं भी बीमार हो सकता हूं, दुर्घटना मेरे साथ भी हो सकती है, तो पहले से ही अपना खूब हम संचय कर सकते हैं, लोगों की सेवा करते रहे तो फिर कोई दुख नहीं होगा। इसी तरह का प्रश्न आ गया इनका कि हम गन्ना खा रहे हैं और गन्ना
खत्म होने के कगार पर है। अचानक गन्ने में से कोई तिनका या कचरा आंख में चला जाता है जिससे आंखों को खोलने पर काफी पीड़ा होती हो और वह तिनका कचरा आंखों से निकल भी नहीं रहा है जिसके कारण काफी कष्ट हो रहा है, तो ये कल्पना कर सकते हैं कि इस समय में आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यह हमारी असावधानी से हुआ या हमारे पिछले या इस जन्म के कर्मों के कारण से हुआ है, तो सीधे सीधे यही उत्तर है कि हमारी असावधानी से हुआ ये, हम सावधानी से करते तो नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। पर इसके साथ साथ अगर हम ये जोड़ें कि हम कितनी असावधानियां करते हैं, हर बार असावधानी से हमारे आंख में चोट नहीं आती है, मैं इस दृष्टि से बोल रहा हूं कि कई व्यक्ति सोचते हैं कि असावधानी तो इतनी सी की थी मैंने, अब आंख में दर्द हो गया या आंख फूट गई ये तो बहुत बड़ा कष्ट हो गया हमारे को, किया तो इतना सा था और हो इतना गया, अन्याय हो गया, ये कैसी परमात्मा की व्यवस्था है। तो इसे यूं समझना चाहिए कि हम न जाने कितनी असावधानी करते रहते हैं तो भी कुछ नहीं होता है, कितनी बार एक असावधानी ऐसी हुई वो उछला, कई बार कितनी बार उछलता है, हम पत्थर तोड़ते हैं संहिता तोड़ते हैं और कुछ उछल के जाता है, इधर से निकल जाता है उधर से निकल जाता है, ये भी तो होता है। अब सड़क पर चल रहे हैं और कोई कहने लगे जी इतनी सी असावधानी की थी मैंने, और दूसरा वाहन भी आ रहा है पास से निकल रहे हैं, बोले इतनी सी केवल थोड़ी सी दूरी में बस थोड़ी सी बात करने लग गया था, थोड़ा सा ध्यान मेरा इस गीत में चला गया था, थोड़ा सा ध्यान मेरा उसकी तरफ चला गया था और थोड़ा सा हुआ, देखो कितनी दुर्घटना हो गई, लाखों की हानि हो गई, चोट लग गई, पीड़ा हो गई इत्यादि, जेल में जाना पड़ गया। अच्छा वैसे जब सामने कोई नहीं होता तब भी तो इधर उधर गाड़ियां होती रहती हैं, तब तो दुर्घटना नहीं होती, हम कितनी असावधानी करते हैं, बहुत असावधानियां करते रहते हैं ना, तब कुछ हुआ था क्या, कितनी असावधानी की हमने, वो कोई उसी बार थोड़ा हुआ है, पहले हम कितनी असावधानी करते रहे, वहां तो कुछ नहीं हुआ था हमारे को। तो असावधानी की आदत हमारी हो जाती है, करते 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 ऐसा संस्कार होता है और कभी संयोग स्थिति बनती है तो ऐसा हो जाता है। तो एक तो इस दृष्टि से नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, केवल एक बात को पक्ष को रखा है, कोई भी सोचे हमने इतना सही किया था, कोई असावधानी का संस्कार कितना डाल रखा है हमने पहले, कितनी बार असावधानी है, कई बार हम जिस बार गड्ढा सामने हो और असावधानी हो तो हम गिर जाते हैं, लेकिन कितनी बार असावधानी से चलते रहते हैं सड़क ठीक है तब तो नहीं गिरते हम, असावधानी तो वहां भी कर रहे होते हैं। तो ये इसको संयोग मानना चाहिए, ये असावधानी की इसलिए इस कर्म का दंड मिल रहा है हमारे को, ऐसा नहीं समझना चाहिए, दंड एक अलग चीज है, जो असावधानियां की है उसका हमारे को, और अगर बहुत अधिक हो गया है तो उसको उस स्थिति में हमें ऐसा समझना चाहिए कि कभी कभी संयोग से हो जाता है तो उसमें जितना कष्ट हमारे को हो गया हमारी तरफ से तो बहुत थोड़ा ही दोष था, तो उसको हम मान सकते हैं कि ये कर्म के कारण से तो नहीं हुआ, लेकिन जितना अधिक हो गया उसका उसके अनुसार हमारा फिर कर्म क्षय हम स्वीकार कर सकते हैं, वो एक पक्ष है, विचार रख रहा हूं केवल। और दूसरे में इसमें एक पक्ष और माना जाता है कि ईश्वर किस तरह से कर्मों का फल देता है, सीधे सीधे तो दुर्घटना वो कुछ कराएगा नहीं, नियंत्रण करेगा नहीं, लेकिन जो हमारी बुद्धि है इसमें सत्वर स्तंभ के ऊंचे नीचे होने से सात्विक स्थिति राजसिक तामसिक स्थिति वहां तो वो अंतर्यामी है, अंदर नियंत्रण कर सकता है। तो यदि हमारा कोई कर्माशय कई बार उभर के आ जाता है, ऐसे संस्कार उभरते हैं, तो उसमें हमारी सात्विकता कम हो गई मान लीजिए, यानी साधनों की क्षीणता हो गई, बुद्धि वैसी भी वैसी है लेकिन सात्विकता कम हो गई, तामसिकता बढ़ गई, ये इस ढंग से कई बार स्थितियां बनती हैं और जिसके कारण हमारे को कई फल भोगने पड़ते हैं, हमारे निर्णय कई गलत हो जाते हैं। इस रूप में तो स्वीकार किया जा सकता है कि वो हमारे कर्मों के कारण से, हमारी असावधानी सीधी दिख रही है कि मैंने असावधानी की है, जानते हुए उसको भी असावधानी की है, लेकिन जहां हमारे को कई बार कुछ पता भी नहीं लगता और उस तरह से हो जाता है, सावधानी रखते रखते भी हो जाता है जो हमारे सीमा में वश की बात नहीं होती है, उनमें उन स्थलों पर ये परमात्मा की व्यवस्था से हमारे कर्मानुसार हमारी बुद्धि की स्थिति भिन्न बनी है और उससे ये परिणाम आ गए, ये इतने अंश में वहां पर स्वीकार किया जा सकता है। तो इसको इतना ही रखते हैं, प्रणवता है।
के साथ आयुर्वेद ओम। ठीक है, सुन लीजिए।